जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे व्यूअर्स, थोड़ा काम का प्रेशर होने की वजह से मैं बुधवार का वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया। आज का वीडियो भी आप लोगों को थोड़ा लेट में मिलेगा, क्या मेरा अभी मैं मार्च में निकल जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा काम का ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, इसके लिए थोड़ा आज का वीडियो भी थोड़ा लेट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज का मेरा जो विषय है वो है वशीकरण। आज भी मैं आप लोगों के लिए रोटी से एक तांत्रिक वशीकरण प्रयोग लेकर आया हूँ। ये प्रयोग जो होगा, ये प्रयोग सम्मोहन, आकर्षण एवं वशीकरण तीनों प्रयोग को एक साथ जोड़ने वाला प्रयोग है। ये तीनों प्रयोग को एक साथ मिलाने के बाद एक संमिश्रण प्रयोग एवं शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग है ये। कुछ लोग के मन में बहुत ज्यादा संशय है, पूछता है क्या गुरु जी ये प्रयोग काम करेगा? प्रयोग फ्री में आने के बाद भी पूछता है क्या ये 101% काम करेगा? अभी तो आया है, आ रहा है, 110% काम करेगा। तो कुछ अजीबोगरीब वीडियो देख देख कर इंसान के दिमाग में एक वहम बैठ गया है, एक चीज बैठ गया है। 1 घंटे में वशीकरण होगा, 10 मिनट में वशीकरण होगा, आधा घंटे में कॉल आएगा, 3 दिन में वशीकरण होगा। ये सब जो चीज है, ये सब इंसान को दिखाया गया है, समझाया गया है। ये सब चीज की वजह से इंसान के मन में वही बात है। मैं अगर किसी का बोलूं, एक अनुष्ठान करने में 21 डेज लगता है, कोई भी किसी को बोलूं एक अनुष्ठान करने में 11 दिन, अरे 11 दिन, वो तो बोलते हैं 3 दिन में हो जाएगा, आप तो 11 दिन बोल रहे हैं। तो जहां पे 3 दिन हो रहा है वहीं पे करो। जो व्यक्ति 3 दिन का अनुष्ठान के लिए खुद को बोल रहा है 3 दिन अनुष्ठान में हो जाएगा, तो 3 दिन का अनुष्ठान करो, इसमें कोई असुविधा नहीं। ठीक है, मेरा प्रयोग थोड़ा लंबा ही होगा। खैर, जो शास्त्र में विधि है, मैं खुद खुद कोई भी प्रयोग क्रिएट नहीं करता हूँ। जो शास्त्र में दिया हुआ है, जो मुझे मिला है, मैं धारक हूँ और बाहक हूँ। मैं धारणा किया हूँ और बाहक, यानी कि मैं आगे इसको कैरी करके लेके जा रहा हूँ। मैं कुछ रचना नहीं करना, मैं मनु हूँ ना, मैं कोई भी ऋषि हूँ, तो मैं कोई रचना करने के लिए आया नहीं हूँ। जो वर्तमान में रचना करने वाले हैं, अगर आप लोगों को उन लोगों का वीडियो अच्छा लगता है, तो उन लोगों का वीडियो आप लोग देखिए और अप्लाई कीजिए। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, बहुत ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो उन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, आप लोग, मैं सबका नाम उल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा एक वीडियो में। बहुत सारे लोग हैं जो लोग लगातार मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैसेंजर पे भी मुझे लिखते हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, आगे भी मेरा वीडियो को आप लोग देखिए, पसंद कीजिए। मैं आप लोगों से यही आशा रखता हूँ। आज भी आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो, ये प्रोग्राम जो है, आज का जो उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, रोटी से वशीकरण पार्ट 2। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को जरूर दबाएं। अगर घंटे को नहीं दबाते हैं, नोटिफिकेशन बेल कर ऑन नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन रहता है, तो मैं वीडियो अपलोड के साथ साथ ही आप लोगों के पास वीडियो का एक मैसेज आपके पास पहुंचेगा। इसलिए मेरे वीडियो, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए घंटे को जरूर दबाइए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो मेरे व्यूवर्स, आज जो मेरा ये अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान करने के लिए नॉर्मल आप लोग जैसे घर में रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रोटी बनाइए। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, जब भी आपको लगे अनुष्ठान आप कर सकते हैं, लेकिन वशीकरण का सबसे उत्तम समय माना गया है 10 बजे से पहले। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा 10 बजे से पहले अनुष्ठान को आरंभ करने के लिए। मैं बार बार अपने वीडियो में ही बोलता हूँ, वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करने के लिए फेसबुक मैसेंजर पर जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे रहेगा, एक एरो है, एरो को दबाने से पूरा बॉक्स ओपन हो, वहां पे मेल है, फोन नंबर है और फेसबुक का लिंक भी है, दबाने से सीधा फेसबुक पे लेके जाएगा। मैसेंजर पर संपर्क कीजिए, मेरा चेला है, आप लोगों को बता देगा, आपका जो भी मन में प्रश्न है उत्तर दे दिया जाएगा। फिर भी आकर प्रश्न करते हैं, उसका अर्थ मैं क्या बोलूँ इसका अर्थ। ठीक है, तो छोड़िए, आज का जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान करने के लिए नॉर्मल आप रोटी बनाएं, थोड़ा सा कच्चा रोटी का थोड़ा सा एक बार सेक लीजिए। थोड़ा सा सेकने के बाद अभी स्केच पेन के द्वारा,
स्केच जो पेन होता है, लाल कलर का स्केच पेन खरीदे, नया स्केच पेन। स्केच पेन के द्वारा उस रोटी में एक यंत्र को अंकन करना पड़ेगा, यंत्र का फोटो वीडियो के अंत में रहेगा। फिर से एक बार निशन करता हूं मैं आप लोगों के लिए, यंत्र का फोटो वीडियो के एंड में रहेगा। ये यंत्र का फोटो मैं फेसबुक पर अपलोड नहीं करूंगा, यंत्र का फोटो वीडियो के एंड में रहेगा। वहां से वीडियो को पॉज करके यंत्र को देख लीजिए, वही यंत्र उस रोटी के ऊपर आपको लिखना है। बीच में आपको साध्य व्यक्ति का नाम लगाना है, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में या सम्मोहन या आकर्षण भी करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम बीच में आपको बिठाना पड़ेगा। बिठाने के बाद उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दीजिए, कोई भी कंपनी का मक्खन या घर में मक्खन बनाए कोई भी मक्खन उस रोटी के ऊपर थोड़ा लगा दीजिए। अभी उस रोटी को आप लोग जैसे पकाते हैं रोटी को बिल्कुल वैसे पकाइए। अभी आपके पास साध्य व्यक्ति है तो साध्य व्यक्ति को रोटी खिला दीजिए। साध्य व्यक्ति आपके पास नहीं है, कोई दूर बैठा है, आकर्षण मैं पहले बोला, ये आकर्षण में भी आपको काम में आएगा। साध्य व्यक्ति आपसे बहुत दूर बैठा है, साध्य व्यक्ति आपसे दूर बैठा है, तो ये रोटी को, गर्म रोटी को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप लेके जाइए, कौवा को खिलाइए। ठीक है, थोड़ा आप उसको फाड़ फाड़ कर कौवा को, 5-7 कौवा को आप इसको खिला दीजिए। ये हो गया एक काम। उसके बाद अगर आपको सम्मोहन करना है, ठीक है, सम्मोहन या मोहन विद्या में, सर्वजन सम्मोहन मोहन विद्या में, ये रोटी को लेके जाइए जहां पे बहुत ज्यादा ज्यादा मछली है, उस जगह पे मछली लोग को खिला दीजिए। ठीक है, इससे आपका साध्य व्यक्ति सम्मोहन हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कोई एक व्यक्ति को आप लोग अपना वश में या सम्मोहन या मोहन नहीं करना चाहते हैं, तो उस यंत्र के बीच में लिखिएगा सर्वयन सर्वजन। सर्वजन माने कि सब लोग, सर्वजन उस बीच में नाम में सर्वजन उल्लेख कीजिएगा। ठीक है, अभी ये मैं आपको तीन पार्ट बता दिया। वशीकरण के लिए सीधा व्यक्ति को खिलाइए, आकर्षण करने के लिए उस कौवे को खिलाइए, सम्मोहन करने के लिए मछली को खिलाइए, जहां पे मछली है छोटा छोटा पीस करके रोटी को खिला दीजिए। ये अनुष्ठान आपको लगातार 7 दिन तक करना है। 7 दिन के अंदर आपको अगर कुछ महसूस होता है, जहां ये प्रयोग से मेरा कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ फीडबैक मुझे मिल रहा है, तो ये प्रयोग को 3 दिन गैप देने के बाद फिर से ये प्रयोग को आप लोग को अप्लाई करना है। प्रयोग को करते जाइए। बहुत लोग आकर पूछते हैं, गुरु जी कितना दिन करना है, पैसा कितना लग रहा है, किसी को दे रहा है, देना पड़ रहा है, 10,000 20,000 या 40,000 देना पड़ रहा है, पर इंसान को परिश्रम करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, तो बोलता है गुरु जी कितना दिन कर रहा है, कितना दिन में रिजल्ट मिलेगा। आश्चर्य हो जाता हूं मैं ऐसे ऐसे सोच सोच समझ मैंने देख कर ही आश्चर्य हो जाता हूं। फ्री में प्रयोग बता रहा हूं, सामान इसमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 या 100 रुपया का खर्चा आ रहा है, घर बैठे अनुष्ठान इंसान कर सकता है, उसके बावजूद भी इंसान को मन में ये शंका है, प्रश्न, गुरु जी 100% 110% अभी 101 था इतने दिन तक, अभी कुछ दिन से मैं सुन रहा 110% काम तो करेगा। ठीक, इससे इसके आगे आएगा 200 250 1,000 1 करोड% काम करेगा, तो इतना क्षमता इतना शक्ति मेरे पास है नहीं। ठीक है, मैं कोई भगवान शिव नहीं हूँ, मैं एक वीडियो में बोला था, मैं तो भगवान शिव नहीं हूँ, ना मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, ना मैं भगवान शिव का, जो ब्रह्मा का अवतार है, जो भगवान शिव खुद को भगवान शिव बोलते हैं, तो उन लोग के पास इतना शक्ति है, वो 1 घंटा आधा घंटा या देखने से ही वशीकरण कर सकता है। ठीक है, तो कोई फोटो देख कर ही बता सकता है इसका मन में क्या चल रहा है, किसके साथ प्रेम कर रहा है, ये कहाँ किसके साथ घूम रहा है, ऐसा फोटो देख के भी हो सकते हैं। मैं ऐसा बाबा नहीं हूँ, मेरे पास उतना थर्ड आई नहीं है, यहाँ पे आई होता है ना, थर्ड आई नहीं हुआ पर मेरा, तो ये सब मैं सब चक्कर में नहीं पड़ता, आप लोग भी सब चक्कर में मत पड़े। ये संपूर्ण चीज जो है इंसान को एक माने मूर्ख बनाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, जो लोग कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, वो लोग ये सब सारे प्रोसेस में इंसान को फेलता है, फेंकता है, जाते इंसान को भटकता रहे, घूमता रहे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करके मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ। मेरा वीडियो जिन लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, और भी आगे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के सहयोग से मैं आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और आगे भी बनाता जाऊंगा। आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मैं फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलता हूँ। हरिओम तत्सत।